सराहना हमने रखा हुआ है अपने बैठने के लिए, और ये बिल्ली ने समझ लिया कि ये मेरे लिए रखा हुआ है इन्होंने। मैं भी ऊपर बाल कहाँ से आते हैं, अब समझ में आया वो यहाँ से आते हैं। चेयर टूटी हुई है। क्या है इधर? शैतूत? हाँ वाओ, लेकिन अभी कच्चे हैं। तो भी यहाँ इन्हीं पे आते हैं वो कीड़े। मम्मी यार कितने प्यारे हैं ना वैसे। ये तो जब उगेंगे ना तो हम आराम से तोड़ के खा सकते हैं, है ना? लेकिन कीड़े ना हमारी उंगली काट ले। कितनी दूर दूर तक हैं ये देखिए, यहाँ पे भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो देखो काइट लग रही है ना, काइट क्या लग रही है? काइट लग रही थी, वो पंछी उड़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था काइट उड़ रही है। ऐसे करो तो चले जी, आज के ब्लॉग को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाम से ही आज के ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है और शाम आपको नज़र आ रहा है, सामने ढलती शाम है और बस सूरज ग़ुरूब होने को है। बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है, यकीन करें ये वाला। लो भी आसमान भी देख लो, प्यारा ही है। और जैसे कि खाने के दिल करे बेटा, ये अभी कच्चे हैं, अभी ये नहीं खाने वाले। जब ये लंबे लंबे हो जाएंगे ना फिर खाने वाले होंगे। अभी तो स्टार्ट हुए हैं ये। वैसे मुझे तो पता भी नहीं है ये क्या हो, मतलब कब पकते हैं और कब नहीं। गर्मियों में पकते हैं और सर्दियों में नहीं पकते। अच्छा तो जनाब व्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हुए आज आपको एक मैं बात बताती चलूँ कि आज आपको 95% पॉसिबल है कि आपको दो व्लॉग्स मेरे मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें आज जो है ना फर्स्ट रोज़ा है माशाल्लाह से, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भई शायद आज रोज़ा नहीं होगा और कल होगा, क्योंकि इतनी देर हो चुकी थी तो अभी तक कोई जो है ना वो रोज़े का मतलब नहीं, चांद वगैरह का नज़र नहीं आया था, कोई पता नहीं चला था। तो इसीलिए ना अब जो मेरी लास्ट प्रिपरेशन थी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो ग्रोसरी वगैरह मैंने की है, क्योंकि अभी तक आपने देखा मैंने कोई ग्रोसरी नहीं की थी। तो अब ग्रोसरी वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में जो है ना इंशाल्लाह अफ्तार के बाद आपको एक और व्लॉग मिलेगा जो मेरा सहर से लेकर अफ्तार तक के रूटीन होंगे, और इंशाल्लाह डेली आपको इसी तरह से व्लॉग्स मिला करेंगे सहर से अफ्तार तक के रूटीन। तो खैर इस व्लॉग में अभी आपने देखा कि मैं थोड़ी सी ग्रोसरी कर रही थी, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मैंने ग्रोसरी की और उसके बाद मैं घर आ गई, और मैंने आपको भी कोई ग्रोसरी दिखाई भी नहीं कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो अभी यहाँ पे आ गया है जी खाना, तो खाना ना मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था, तो ये मेरे हस्बैंड को ना तवा पीस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ना ये मंगवाया था। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ग्रोसरी वाला क्या सीन हुआ था। तो जी यहाँ पे आप देखें जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ, मैं भी आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुकी हैं चीज़ें, और स्टार्ट में आपको सिर्फ जस्टी स्लांटीज नज़र आ रही हैं अभी, कि सिर्फ स्लांटी स्लांटी ही निकलते रहेंगी बहुत सारी। आप देखेगा कि 8-10 स्लांटीज ही निकलेंगी। तो सीन अच्छा ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने ना सोचा, हम लोग बाहर थे ऑलरेडी, बाहर थे कुछ काम से गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ना उधर पास में ना एक स्टोर था, रहीम स्टोर, बहुत सा मतलब मशहूर स्टोर है, काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों में से, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग जाते भी होंगे। तो मैंने कहा वहाँ से ग्रोसरी कर लेते हैं, तो वो भी अच्छा स्टोर है, तो चलें हर बार हम एक ही स्टोर पे जाते हैं, तो चलें कोई बात नहीं चेंज कर लेते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं होगा, लेकिन ये कि चलें कोई बात नहीं यहाँ से ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि
मैं ना वैसे काफ़ी अर्से बात गई थी रहीम स्टोर पे, तो वहाँ पे ना उन्होंने अलग अलग समय ले पोर्शंस बनाए हुए हैं ना कि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है और यहाँ पे ये वो, तो वो हमें ना कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। और दूसरा इतना रश था क्योंकि ये सिर्फ एक आधा दिन ही रह गया था रमज़ान में, तो लोगों ने जो है ना सबने ग्रोसरी करनी थी और बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था, हद से ज़्यादा। और इसी रश के दौरान ना अब्दुलाहद को चोट भी लग गई। अब्दुलाहद ना वो उसके अंदर मैंने बिठाया हुआ था कैरियर के अंदर, उसके अंदर ही जो है ना वो गिर गया और उसके ना वो स्किन वगैरह उतर गई, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेचारे को चोट भी लग गई। तो बस इसके बाद ना फिर हम लोगों ने ना ये जो आपने चीज़ें देखी हैं ना जस्ट यही मैंने ली है, और उसके बाद मैं घर आ गई। मैंने कहा कि बस अब मज़ीद चीज़ें नहीं लेनी, और अब्दुलहद के बाबा भी कहने लग गए कि बस अब घर चलते हैं, तो नेक्स्ट डे मैं आपको ना सामान ले लूँगा। तो फिर नेक्स्ट डे तो मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने ना सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवा लिया था पांडा मार्ट से। आपको पता है कि ग्रोसरी मैं अक्सर करती रहती हूँ, तो मैंने पांडा मार्ट से ही सारी ग्रोसरी ऑर्डर कर ली थी, तो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो ये उसी रात का व्लॉग है जब हम वापस आए थे, तो फिर मैंने कहा कि जल्दी से ना मैं कबर्ड भी सेट कर लेती हूँ, सब चीज़ें वगैरह इधर उधर हुई हुई थी, बिखरी हुई थी, सब कुछ मसाले शॉपर में पड़े हुए थे और बॉक्सेस में डालने वाले थे, तो ये सब ना मैं सेट कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो मैं लेके आई थी ना वो मैंने सेट कर दी थी, और मसाले वगैरह सब रख दिए थे दालें डाल के। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आगे हमारी ग्रोसरी आ जाती है तो हम आपको दिखा देते हैं जी ग्रोसरी। तो यहाँ पे ग्रोसरी मैंने नेक्स्ट डे पांडा मार्ट से ऑर्डर कर ली थी। उठते साथ मैंने सबसे पहला काम यही किया था, क्योंकि सुबह मतलब था ना कि रोज़ा होगा नेक्स्ट डे, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ ना आज मंगवा लूँ। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी करनी थी जो मैंने नहीं की थी, आप लोग भी देख सकते हैं कि मैंने अभी तक कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं किया है। मतलब आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती रही हूँ, लेकिन मैंने अपना जो है वो घर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, थोड़ी बहुत बना रही थी कुछ जो अवेलेबल थी मेरे पास, और कुछ मैं सामान वगैरह का इंतज़ार कर रही थी, कुछ यू नो सैलरी इशू वगैरह ये वो, तो उसकी वजह से थोड़ी ज़रा ग्रॉसरी हमारी लेट हो गई थी, वरना मैं पहले ही कर लेती और कुछ अरेंजमेंट्स कर लेती। लेकिन हाँ, अगर मैं ग्रॉसरी पहले कर भी लेती ना, तो मेरा इरादा यही था कि मैं जो चीज़ें बनाऊंगी ना वो बिल्कुल टाइम पे बनाऊंगी, यानी रोज़ों से सिर्फ एक दिन पहले या दो दिन पहले, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग स्नैक्स लवर हैं, और हमें जब पता चल जाएगा ना कि हमारे फ्रीज़र में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो भी होममेड पड़ी हुई हैं, तो फिर हमसे रुका नहीं जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी ऐसा कि जो है ना बस फिर बार बार दिल करे कि हाँ यही बना लेते हैं यही बना लेते हैं, और वो रोज़ों से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो एक ये भी वजह थी मेरा कुछ ना बनाने की। तो खैर, यहाँ पे ग्रोसरी में आप लोगों को बताती चलूँ मैं क्या क्या मैंने मंगवाया ग्रोसरी में। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड वैसे घर के लिए मंगवाई थी, कुछ रेसिपीज़ भी मैंने बनानी है इंशाल्लाह, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए थी। साथ में जी फ्रोज़न पराठा है, और ये मनोसलवा के हैं, साथ में स्टिक्स हैं शैशलिक स्टिक्स जो होती हैं, खजूरें ही मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी पांडा मार्ट से, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कैसी होंगी, तो मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं अच्छी होंगी तो और मंगवा लेंगे, तो बाज़ार से ले आएंगे हम। उसके अलावा जी यहाँ पे मैदा है मेरे पास, दाल है, दाल मेरे पास येलो वाली अवेलेबल थी तो मैंने ये ऑरेंज वाली मंगवा ली थी, और साथ में जी ये बेसन था, और उसके अलावा चीज़ आपके सामने पड़ा हुआ है, तो मैं जो है ना चीज़ ये डीन्स कंपनी का ही यूज़ करती हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छा है और रीज़नेबल भी है, यानी कि आप एडम्स वाला का जो है ना इससे डबल प्राइस है, और डीन्स वालों के ना आधी है इससे प्राइस, तो एक तो ये है कि बजट फ्रेंडली भी है, ईज़िली बंदा ले सकता है, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है ये, तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, आप लोग जो भी यूज़ करते हैं आप वो कीजिए। और उसके अलावा जी मैंने यहाँ पे ऑयल के पैकेट्स मंगवा लिए थे, साथ में जी यहाँ पे राइस है हमारे पास, और शुगर आ गई, और रमज़ान में जो है ना शुगर का भी बड़ा मसला हो जाता होता है, मेरा मतलब शुगर का मसला ये हो जाता होता है कि शुगर आनी बंद हो जाती है बाज़ारों में, और ना मतलब शुगर शॉर्ट हो जाती होती है, ये वाला मसला हो जाता है, दूसरा नहीं होता, अल्लाह ना ही करे वो वाला कभी किसी को हो। तो उसके अलावा जी ये वर्मिसेली है यहाँ पे हमारे पास, जिसको हम सेवियाँ कहते हैं, और उसके अलावा ये चिली फ्लेक्स रखे हैं मैंने अभी आपके सामने, अभी मैं आपको करीब से भी सब कुछ दिखा दूँगी, अभी मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ। और ये हमारे पास आई थिंक कोई अदरक या लहसुन पाउडर में से कोई होंगे, ये दोनों ही आ गए, लहसुन पाउडर भी आ गया, अदरक पाउडर भी आ गया, और ये जो है लाल मिर्च भी आ गई है, तो ये मैंने तेज़ लाल मिर्च मंगवाई थी, मैंने कहा थोड़ा कलर जो है ना आजकल निकलता ही नहीं है मिर्च का, तो ये वाला
चेक कर लेते हैं। उसके अलावा जी मैंने लज़ानिया शीट्स मंगवाई हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोग से लज़ानिया की रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हिम्मत दी तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। उसके अलावा जी मैंने इस बार ना कोई मैक्रोनी वगैरह या कोई इस टाइप की कोई भी शेप नहीं मंगवाई है, मैंने ना जस्ट सिंपल स्पेगेटी मंगवाई है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना स्पेगेटी ही पसंद है। हालांकि उनका तरीका तो सबका एक ही होता है बनाने का, लेकिन ना बस वो कहते हैं कि मुझे स्पेगेटी पसंद है, तो मैंने कहा मैं स्पेगेटी ही मंगवा लेती हूँ तो, क्योंकि मैं तो सभी खा लेती हूँ। और इसके अलावा जी यहाँ पर हमारे पास एक टिक्का मसाला था, उसके अलावा जी ये मसर है और नमक है, छोटी मोटी चीज़ें जो घर की ख़त्म हुई हुई थी वो भी मैंने मंगवाई, और रमज़ान की भी जो स्पेशल चीज़ें थी वो भी मंगवा ली। ये सिरका है, सिरका आपको पता है चाइनीज़ चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए ये सिरका भी ख़त्म हुआ हुआ था मेरा, वो भी आने वाला था। सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह मेरे पास पड़ी हुई थी, और मैंने साथ में क्रीम का पैकेट मंगवाया है, कोई चाट वगैरह बनानी पड़ती है तो क्रीम बंदा यूज़ कर लेता है। उसके अलावा ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी मैंने मंगवाई थी, वेजिटेबल्स क्योंकि जो मेरे पास हैं पड़ी वो मुझे यूज़ करनी थी, तो मैंने कहा मैं मज़ीद भी मंगवा लेती हूँ, तो मैं ये फ्रीज़ कर लूँगी और आराम से निकाली और जल्दी से कुछ भी बना लिया। और उसके अलावा नूडल्स का मैंने ये 4 वाला पैक मंगवाया है, क्योंकि अब्दुलहत को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है नूडल्स की, तो जब कुछ ऑप्शन नहीं मिलता ना तो फिर मैं उसको नूडल्स बना देती होती हूँ। तो ये सब सामान है जी हमारा जो रमज़ान की ग्रॉसरी का है, और कुछ जो अवेलेबल था और जो आने वाला था वो सब मैंने मंगवा लिया है। तो यहाँ पे जी मैंने कहा कि मसाले वगैरह तो मैं सेट कर ही चुकी थी, और जो सामान थोड़ा सा मैं लेके आई थी वो मैंने सब सेट कर लिया था, तो मैंने कहा कि मैं बाकी जो अब ग्रोसरी मंगवाई है उसको भी जल्दी से समेट लेती हूँ, बेहतर यही है कि फ़ौरन से काम कर लिया जाए, वरना फिर काम बढ़ता रहता है। और आप यकीन करें कि मेरे किचन में भी इतना काम पड़ा हुआ था ना, इतना काम पड़ा हुआ था कि आपकी सोच होगी, अचानक से जब पता चला है ना कि यानी रोज़ा है, तो फिर उसके बाद जो हालात हुए हैं ना वो मैं अभी आपको आगे दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या मैंने किया है और किस टाइम पर किया है, तो इंशाल्लाह कुछ आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा, और कुछ आपको जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग मिलेगा इफ्तार के बाद उसमें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें वगैरह भी कुछ जो है ना मैंने सेट कर दी थी सब, और ऊपर नीचे एक ऊपर वाला भी है कैबिन और एक नीचे वाला है, तो सब कुछ अरेंज कर दिया था। तो खैर जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उठते साथ ही जो है ना ग्रोसरी मंगवा ली थी आराम से, और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले थे, कुछ काम था छोटा सा वो किया, और फिर मैंने कहा कि मम्मा वगैरह को भी मिलना है मैंने, तो चलें उनको रमज़ान की मुबारक दे दूँगी। वैसे तो अभी पता नहीं था कि जो है ना वो रोज़ा कब है, लेकिन हम लोग घर के करीब ही आए थे तो मैंने कहा चलें मैं मिल लूँगी उनसे, और फिर घर के करीब ही आए तो अब्दुलहत बस ऐसे ही तंग करने लग गया, तो फिर मैंने अपने भाई के साथ ऐसे 10 मिनट के लिए अब्दुलहत को पार्क ले आई थी, क्योंकि ना बिल्कुल मगरिब का टाइम हो रहा था, अजानें होने ही वाली थी, तो जैसे ही मुझे अजान की आवाज़ आई ना तो मैंने बस फ़ौरन से इशारा किया कि चलो वापस चलें, और फिर मैं इसको घर ले आई थी। एक तो ये होता है कि पार्क्स वगैरह में ना बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, और ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, और वैसे भी बच्चों को ज़रा मगरिब के बाद इस तरह से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और ख़ास तौर पे इस तरह की जगह पे जैसे ये पार्क्स हो गए और इस टाइप की, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए थोड़ी सी। तो फिर मम्मा के घर में ही तो मैं ना फिर थोड़ा सा सामान मतलब वहीं से पास से ही मुझे कुछ सामान भी लेना था थोड़ा सा, जैसे कि समोसा पट्टीज़ लेनी थी मुझे, और जो है ना ये समोसा शीट्स नॉट पट्टीज़ और रोल शीट्स भी लेनी थी, तो ये मैं लेने के लिए चली गई थी बेकरी से, और यहाँ पे मैंने ये ले ली थी। और उसके बाद घर आके मैंने ये मलाई भी निकाली हुई थी, मैं पहले ही ऑलरेडी निकाल के गई थी, और इस बार ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे घी बनाया है कि मैंने इसको बिल्कुल भी जग वगैरह यूज़ नहीं किया है, शेक नहीं किया है,
मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि ऐसे घी बन जाता है या नहीं बनता है। तो यार इतनी इजीली घी बन गया ना कि मैंने तो ऐसे सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको ना बैठ के बेड पे बैठ के ना मैंने इसको घुमाया हल्का हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी जान भी नहीं लगी, बहुत नॉर्मल सा मैंने इसको किया और आराम से मक्खन निकल आया। तो मैं तो खुशी हो गई, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही आसान काम है ना, मैं आइंदा यही करूँगी, वरना इतने सारे बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं, फिर वो धोने भी मुश्किल और इतना टाइम भी लग जाता है। तो आइंदा तो बस इसी तरह से घी बनाना है। ईज़िली बन गया था घी। तो घी बनाने के बाद जी मैं, क्योंकि ये समोसा और रोल पट्टी वगैरह ले आई थी, तो फिर मैंने कहा कि बग़ैर देर किए ना कोई एक आधी चीज़ बना लेती हूँ मैं इसमें से। तो इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, तो हल्का फुल्का जो है ना मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या करना है हमें। तो थोड़े दिन पहले शायद कल या परसों के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ चीज़ें वगैरह फ्रीज़र में ये वेजिटेबल्स जो है वो ग्रेट करके तो फ्रीज़ की थी, तो मैंने वही फटाफट से फ्रीज़र से निकाली और जल्दी से इसको पैन में डाला। और इस रेसिपी के लिए ना हमें बिल्कुल भी ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा यूज़ करना है। और जो है ना बस हल्का से ऑयल में ही हमने ये सब वेजिटेबल्स को ना हल्का हल्का सॉटे करना है। इसको हमने कौन सा को पकाना है, यानी कि जो क्रंचीनेस है ना इन वेजिटेबल्स की वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास ना क्योंकि ये फ्रोज़न थी ना, तो थोड़ी सी ये ज़ाहिर है फ्रेश और फ्रोज़न में थोड़ा तो फ़र्क होता है ना, तो थोड़ा सा इसमें ना पानी पानी से था, तो मैंने उस पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी स्टिल ये जो है वेजिटेबल्स थोड़ी सी क्रंची क्रंची ही थी, इनको मैंने बिल्कुल नहीं पकाया। और उसके बाद जी मैं चिकन को बॉईल किया हुआ था नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और साथ में थोड़ी सी मिर्च भी डाली हुई थी उसमें, और ये मैंने जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे ये होता है कि चिकन जो है ना बिल्कुल फीका नहीं रहता है, थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि टेस्ट आ जाता है। उसके बाद जी बस हम ये समोसा की जो है शीट्स निकालेंगे, सॉरी रोल की शीट्स। अभी मैं सिर्फ रोल बना रही हूँ, समोसे मैं अभी नहीं बना रही, वो मैं आपको नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगी, बना लूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है, तो रमज़ान की रौनकें तो माशाल्लाह से लगी रहेंगी, तो कोई बात नहीं, ये प्रेपरेशन तो पूरा महीना चलती रहती है। जब भी बनाएंगे थोड़ा सा साथ सेव भी कर लेंगे, रेसिपी भी हो जाएगी और अपने जो है अगला एक हफ़्ता भी ईज़िली गुजर जाएगा। तो इसलिए साथ साथ जो है ना वो चीज़ें बनती रहेंगी और साथ साथ यूज़ भी होती रहेंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रमज़ान से पहले ही सब कुछ सेव करके रख लेना है, साथ साथ भी बंदा फ्रेश फ्रेश बनाता रहता है, और कुछ जो चीज़ें सेव करनी है आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसे भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो एक चीज़ खाने को दिल नहीं करता ना, ऑल्टरनेट डेज़ में बंदा खा लेता है, तो इसीलिए ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बना रही हूँ कि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो यूज़ हो जाएंगी, तो जब ख़त्म होंगी तो और बना लेंगे या फ्रेश बना लेंगे, कौन सा कोई मुश्किल काम है। तो यहाँ पे मैं ना शीट्स को अलहदा कर रही थी, और शीट्स को मैंने कहा एक ही दफ़ा रख के ना, तो उन पर फटाफट से मटीरियल रखती जाऊँगी और उस पर जो है उसको रोल करती जाऊँगी। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे सारा काम जो है ना वो खड़े होकर करना पड़ता है, मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं बैठ के ये काम कर लूँ, वरना अगर ये बैठ के ये काम किया जाए ना तो बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं बैठ नहीं सकती। अगर मैं बैठ गई तो अब्दुल अहद ने मुझे कुछ करने ही नहीं देना और वह सब चीज़ें ख़राब कर देगा, तो इसलिए मुझे सारा ये काम खड़े होकर करना पड़ता है। तो मैंने जो दो रोल के पैकेट्स थे ना वो सारे के सारे खड़े होकर बनाए थे, और उसके बाद जो मेरी हालत हो गई थी ना वो मैं जानती हूँ। तो जनाब बहुत मेहनत के बाद हमारे रोल्स रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे घी भी रेडी हो गया था माशाल्लाह से, बड़ा ही ज़बरदस्त घी बन गया था। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखना ही है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।